हेलो फ्रेंड्स, प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवखेड़ा के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। शिवखेड़ा अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक के संस्थापक हैं। वो प्रख्यात पुस्तक जीत आपकी के लेखक हैं। वो एक प्रेरक वक्ता और महान चिंतक भी हैं। जीवन फैसले पर आधारित होता है। आपकी इच्छा है सफल होने की, आपका इरादा नहीं है। यही एक समस्या है, क्योंकि जिंदगी में इरादे और इच्छा में बहुत अंतर होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, जिंदगी में इरादे का सौदा नहीं होता। जिंदगी में जब भी दबाव पड़ता है, इच्छा हमेशा कमजोर पड़ जाती है, इरादा और मजबूत हो जाता है। 45 साल पुरानी बात है, पापा कोल माइंस में काम करते थे, वो बंद हो गई। हम सड़क पर आ गए, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तब मैं कॉलेज में था। मैंने निर्णय किया कि मैं इंडिया छोड़कर जाऊंगा। यह 1975 में मैं टोरंटो गया, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। घर घर जाकर गाड़ियां साफ करता था और शाम को वैक्यूम क्लीनर बेचता था। मैंने एक विज्ञापन देखा, पा ऑफ सकारात्मक थिंकिंग के लेखक डॉक्टर पील वहां आ रहे थे। वहां पर हजारों लोग थे, मैं भी वहीं बैठा था। डॉक्टर पील जब मंच पर आए, उनकी उम्र 85 साल से ऊपर होगी, कद 5 फुट 1 इंच होगा। जब वो मंच पर आए, जिस उत्साह से वो बोले, उस दिन मैंने कद की परिभाषा बदल दी। जिस उत्साह से उन्होंने नजर दौड़ाई, उसमें आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी, क्योंकि जिस आत्मविश्वास के साथ नम्रता नहीं होती, उसे अहंकार कहा जाता है। उन्होंने आते ही सबको देखा और कहा, आप इतने कूल और रिलैक्स बैठे हैं, लगता है आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। बताइए, किसी को कोई समस्या है? आप में से कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? हर किसी ने हाथ खड़ा कर दिया। बोले, जब मैं वहां पर आ रहा था, यहां से 200 गज दूर, मैंने कुछ लोगों को देखा। वो लेटे हुए आराम से पड़े थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी, टोटली रिलैक्स। यहाँ कितने लोग जानना चाहते हैं? 200 गज पर शमशान घाट है, वहां पर चले जाओ। वहां पर लोग जमीन पर लेटे हुए हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है। हमारे संस्कार, आज लोगों के पास ज्ञान तो है पर संस्कार नहीं है। ज्ञान मिल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहे। हम लोगों को पर अपने परिवारों में, घरों में गलत उसूल सिखाते हैं। हमारे दफ्तर में कोई फोन आता है, हमने किसी का चेक नहीं दिया। जो भी कारण हो, गलती हो, हमारा स्टाफ झूठ नहीं बोलेगा। झूठ मत बोलिए। मैं अगर अपने दफ्तर में अपने स्टाफ को अपने लिए झूठ बोलना सिखाऊंगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा स्टाफ मुझसे ही झूठ बोलेगा। और जितनी बार मैं उनसे झूठ बुलवाता हूँ, और जब वो झूठ बोलते हैं और अपनी नज़र में थोड़ा सा गिर जाते हैं, आप देखते हैं सिर्फ पहला झूठ ही मुश्किल होता है, इसके बाद तो आदत ही पड़ जाती है। बच्चा पैदा होते ही झूठ नहीं बोलता, सीखता है। 5 साल का बच्चा फोन बजता है, बच्चों को उत्साह एकदम तेज होता है, दौड़ता हुआ जाता है और फोन उठाता है। फोन पर कोई पूछता है, बेटा पापा हैं? हाँ बिल्कुल हैं। पिता के पास जाता है, आपके लिए फोन आया है। पापा पूछते हैं, क्या बोला तुमने? मैंने बोला, हाँ पापा घर पर हैं। बेटा बोल, पापा घर पर नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता। वो कहता है, पर आप तो घर पर हैं। बच्चा छोटा है, पर आप बड़े हैं। सहज बहुत मायने रखता है। बच्चे का उत्साह एकदम गिर जाता है, वो पहली बार जिंदगी में कंफ्यूज है, अपने दिमाग में सोच रहा है पापा घर में है। वो कहना नहीं चाहता था कि पापा घर में नहीं, पर पापा ने कहा है तो करना होगा। 90% व्यवहार आदतन है, आज तक झूठ बोला नहीं। गलती से सच निकल गया तो फोन उठाया और जोर से पटक के बोला, पापा घर पर नहीं है। जैसे ही उसने फोन पटका, उसके पिता ने सुन लिया, तुमको सिखाना पड़ेगा, तू गलत जा रहा है। अगली बार फोन बजता है, बच्चा दौड़ कर जाता है, वो पूछता है, पापा घर पर है? बच्चा कहता है, देखकर बताता हूँ। पिता कहता है, शाबाश बेटा, गुड बॉय। ये एक प्रोत्साहन है, बच्चा अच्छा महसूस करता है। झूठ बोलने के लिए एक बहुत बड़े मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ने कहा था, जिस व्यवहार को प्रोत्साहन देंगे वही बढ़ता चला जाएगा। जानवरों को सिखाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। खुद को मेंटली टफ रखिए। कितनी बार आप देखते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, लोग पूछते हैं, हमारी सोच पर काबू नहीं है, मैं बैठता हूँ 50 चीजों की सोच आ जाती है। हम अपनी सोच को कैसे काबू कर सकते हैं? इसका एक उदाहरण है। एक बार मुझे एक कैंसर सोसाइटी ने बुलाया। कैंसर रोगी थे, जिनसे कहा चुका था, आपके ऊपर सब इलाज हो चुके हैं, अब तैयारी करिए ऊपर जाने के लिए।
कैंसर सोसाइटी ने कहा कि इनसे बात कीजिए, इनको कहिए कि सकारात्मक सोच रखें। मैं सोच रहा था कैसे लोगों से बात की जाए, किस तरीके से उनको कहा जाए कि सकारात्मक सोच रखें, जिनको सबने कहा कि आप जाने वाले हैं। मानसिक दृढ़ता कैसी बनती है? वैसे ही बनती है जैसे शारीरिक बनती है। क्या मैं 20 किलो का डंबल उठाकर आज रैप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो हफ्ता भर बीमार हो जाऊंगा, सारे शरीर में दर्द होगा। आप कैसे शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं? जिम जाते हैं, वहां जाकर आप 5 किलो का वजन उठाते हैं, 10 बार रैप करते हैं, 20 रैप करते हैं, 30 करते हैं, और हर अभ्यास आपको ज्यादा पार देता है और आप ज्यादा उठा पाते हैं, क्योंकि आप खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। वैसे ही आपको मानसिक दृढ़ता बनाने की जरूरत है। अगर आप एक सकारात्मक इंसान बनना चाहते हैं रातों रात, तो वो नहीं हो सकता। आप सारी जिंदगी के लिए कोशिश मत कीजिए, आप अपने दिमाग को कहो अगले 10 मिनट के लिए, ये जिंदगी भर के लिए सोचने से ज्यादा बेहतर है। 10 कहो, 15 कहो, 20 कहो, 25 कहो, आप देखेंगे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हमारी जिंदगी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। महत्वपूर्ण चीज हमारे अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी पर टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करें पर अमल करना सीखें, वही आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। अच्छी आदतें सदैव अच्छा निर्माण करती हैं। जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हराने वाले जिंदगी में नहीं करना चाहते। ऐसा कौन सा काम है जो हराने वाले नहीं करना चाहते? वो वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते हैं, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते हैं लेकिन फिर भी उठते हैं। आप देखें, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं। वो उसकी आदत बना लेते हैं, सदैव आदत बन जाती है। जब भी करते हैं सही काम करते हैं क्योंकि आदत बन चुकी होती है। अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से ही चरित्र बनता है। 90% हमारा व्यवहार वैसा ही होता है जैसी आदत होती है। अगर हमारी अच्छी आदतें हैं तो हमारे चरित्र अच्छा होगा, अगर हमारी आदतें खराब हैं तो हमारा चरित्र भी खराब होगा। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, बुरी आदतें आसानी से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सही नहीं है बल्कि ये सही है, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कई लोग अपनी गलतियों से अभ्यास करते हैं। सकारात्मक सोच सफलता की गारंटी नहीं देता। सकारात्मक सोच, सकारात्मक एक्शंस एंड एफर्ट, सकारात्मक चरित्र से जिंदगी में सफलता आती है। अच्छी आदतें सदैव अच्छा निर्माण करती हैं, फिर वो चरित्र हो या आपका व्यवसाय, बेहतर ढूंढो और उसे आदत बना लो। चुनाव करना सीखिए। जिन्हें अवसर की पहचान नहीं होती उन्हें अवसर का खटखटाना शोर लगता है। अवसर आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब वो जाने लगता है तो वो उसके पीछे भागने लगते हैं। कोई अवसर 2 बार नहीं खटखटाता। गलत समय पर मिल गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। अवसर अच्छा या बुरा नहीं होते, उन्हें सफलता में बदलना आपकी जिम्मेदारी है। मेहनत पर भरोसा करना सीखिए। ब्रूस ली की एक टांग दूसरी से 1 इंच छोटी थी। 1 mm 2 mm का फर्क हो तो अलाइनमेंट में फर्क पड़ जाता है। ब्रूस ली की आईसाइड -10, वो 5000 पंच की डेली प्रैक्टिस करते थे। वो कहते थे मुझे उससे डर नहीं लगता, वो कहते थे मुझे उससे डर नहीं है जिसको 1000 तरीके आते हैं किसी काम को करने के, मुझे डर उससे लगता है जिसको सिर्फ 1 तरीका आता है लेकिन उससे 1 तरीका अभ्यास और प्रैक्टिस 10,000 बार की होती है। वो खतरनाक है, वो भाग्यवादी होते हैं, वो कुछ होने का इंतजार करते हैं। जिंदगी में कभी कुछ करके नहीं जाते, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सफलता का मूल। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का अर्थ ये है कि हम जो चाहें उसे पा लें, और प्रसन्नता का अर्थ है कि हम जो चाहें उसे चाहें। सफल लोग अपने काम से प्रतिस्पर्धा करते हैं,
वो खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिरकर खड़े हुए हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की क्षमता से नहीं किया जाता। सफल लोग महान काम नहीं करते, वो छोटे छोटे कामों का महान ढंग से करते हैं। हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा? तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। लोग दो तरह के होते हैं, पहले जो करते तो पर सोचते नहीं, दूसरे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली चलाना। अगर कोई मूर्खता की बजाय, समझदारी की बजाय, अच्छाई और दुर्गुण की बजाय सदगुण को चुनता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। कामयाबी का ये मतलब नहीं कि हर इंसान आपको पसंद करे। ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद भी नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल प्रभात प्रकाशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाएं।